जनाब आज हम मौजूद हैं वापस से किचन में और बनाने जा रहे हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो कि होगी बड़ी ज़बरदस्त सी खाने में भी और देखने में भी हम बनाने जा रहे हैं चिकन क्रोकेट्स यहाँ बताती चलो सबरोसो हमारा साथ डेली बेसिस पे देता है सबरोसो की हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आ, अब तो रमज़ान खैर अख्ताम अख्तितम पर है बट स्टिल हम उसकी मैक्सिमम चीज़ें यूज़ कर चुके हैं आज फिर हम सबरोसो की रॉ चिकन हमने ली थी उसको हमने बॉईल किया है बॉईल करते वक्त मैंने उसमें क्या किया था एक किलो चिकन में मैंने डाला था चार से छः लौंग चार से छः काली मिर्च और उसके साथ एक टेबल स्पून नमक डाल के मैंने बॉईल किया था बॉईल करने के बाद मैंने उसको श्रेड किया था थैंक यू सबरोसो फॉर प्रोवाइडिंग अस कंप्लीट रेंज हम जो चाहे यूज़ कर सकते हैं चाहे वो फ्राइड आइटम्स हो फ्रोजन हो या रेडी टू ईट चीज़ें हों जो सिर्फ़ आप निकालें फ्राई करें और अफ्तार एंजॉय करें आ जाते हैं रेसिपी पे हम क्या करने वाले हैं कि हम uh, ले रहे हैं कुकिंग ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ थ्री टू फोर टेबल स्पून ऑयल डालूंगी इसको डालने के बाद मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि मैंने एक प्याज़ ली है उसको मैंने फ़ाइन uh, चॉप कर लिया था ये डालेंगे हम ठीक है जी चॉप करना है इसको अच्छा इसको हमने ब्राउन नहीं करना इसको सिर्फ हमने ट्रांसलूसेंट करना है जैसे ही इसका पिंक कलर आ जाएगा फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे अच्छा जी हमारे पास आपको पता है क्योंकि टाइम होता है ज़रा सा शॉर्ट तो हम इसको और क्विक करेंगे हो गई ये तकरीबन प्याज ट्रांसलूसेंट अब मेरे पास लहसन के जवे हैं गार्लिक क्लोज आई हैव टेकन लाइक थ्री टू फोर तीन से चार ले लें ले, दरम्याने साइज़ के वो डालें और सिर्फ इसको इतना सोते कीजिए कि इसमें से सिर्फ जो लहसुन की एक स्मेल होती है ना वो चली जाए ठीक है जी ये आपने डाला और जैसे ही इसकी स्मेल गई और अच्छी सी खुशबू आने लगी हमें गार्लिक की फिर हमने क्या किया कि यहाँ हमारे पास है हरी मिर्च का पेस्ट मैंने वो डालना है आप चॉप करके बारीक हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं और पेस्ट बनाने के लिए आप थोड़ा सा सिरका और हरी मिर्च को जो है आप डालिए उसमें ग्राइंडर में और उसको चॉप कर लें ठीक है जी ये हुआ इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया था मैंने यखनी ली थी चिकन की जो बॉईल किया था ना चिकन उसी में से मैंने यखनी निकाली थी अगर आधा किलो चिकन है तो हम एक कप यखनी लेंगे ठीक है जी ये हम डालेंगे और इससे पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे जैसे हम वाइट सॉस बनाते हैं ना लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें हम पहले डाल रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है मैदा टू टेबल स्पून ऑफ मैदा ऐड करेंगे इसमें सिर्फ इतना करेंगे कि इसमें से खुशबू आने लग जाए हमारे पास अच्छी सी ज़्यादा नहीं इसको हमें ब्राउन नहीं करना है मैदे को अगर इसका कलर ब्राउन हो गया तो इसमें से बड़ी जली हुई सी स्मेल आने लगेगी और सारा फ्लेवर इसका ख़राब हो जाएगा ठीक है जी जैसी ही खुशबू आई मैंने इसके अंदर डाला तकरीबन ये हमारे पास एक कप यखनी है मैं ये ऐड करूँगी बस थोड़ी सी इसमें से स्मेल चली जाए ये यखनी चली गई इसमें और यखनी डालने के बाद आप हैंड हैंडवस ले सकते हैं एग जो होता है एग बीचा वो ले लीजिए ताकि इसके अंदर लम्स ना बनने पाए अब हमें क्विक क्विक स्टेप करना है इस टाइम पे आके हमारी ये जो श्रेडिड चिकन है ये हमने डाली चिकन को कोशिश कीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा हमारी बहुत ज़्यादा बारीक श्रेड मत कीजिएगा इसको ये ऐड करेंगे ये भी ख़त्म हो गया हमारा स्टेप अब इस स्टेज पर आके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं वन टी स्पून ब्लैक पेपर और इसके साथ हम थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि ऑलरेडी हमारा सॉल्ट उसमें है वो हाफ टी स्पून सॉल्ट और इसके साथ जा रहा है नट मैक पाउडर जो हमारा होता है जायफल का पाउडर बहुत थोड़ा सा बस जस्ट अ पिंच एक अच्छा सा फ्लेवर देगा ज़्यादा नहीं डालिएगा ये क्या होगा कि ये कड़वा हो जाएगा ठीक है जी ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम वेट करेंगे मीन दूसरा स्टेप इसका जो है उसमें हम क्या करें कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है आ, आलू इसको बॉईल कर लिया था बॉईल करने के बाद अब हम इसमें क्या करें थोड़ी सी चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पर मैंने ली है एग योग जर्दी और सफ़ेदी अलग की सफ़ेदी रखी है इसको हम कोटिंग में यूज़ करेंगे एक मैंने इसके अंदर जर्दी ऐड कर दी है क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमारे पास नमक और मिर्च मौजूद है तो इसलिए बहुत बहुत थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला और यहाँ जो मैंने ब्लैक पेपर बचाई थी थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून मैंने वो ऐड की इसके अंदर जो भी आपके पास हरा धनिया डालना चाहते हैं कोई हर्ब डालना चाहते हैं वो डालेंगे यहाँ मैंने यहाँ पर अच्छा सा हरा धनिया ले लिया है और मैंने इसको मिक्स मिक्स करना है मिक्स करने के बाद जब तक वो हमारा चिकन ठंडा होगा हम इन सबको मिक्स करेंगे इसके सेंटर में रखेंगे चीज़ बच्चे खाएंगे ये आप बताइए बच्चों को खाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर साहब से भी बच्चों के हवाले से बड़ी लंबी बात करनी है हमें अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा डेफिनेटली ये बच्चे खाएंगे क्योंकि इसके सेंटर अच्छा क्रोकेट्स में वैसे आमतौर पे क्या होता है कि ना चीज़ इसके अंदर डाली जाती है लेकिन मैं यहाँ पे चीज़ दो स्टेप्स में डालूंगी एक तो मैं इसमें मिक्सिंग में ऐड करूंगी और सेंटर में चीज़ का एक पीस रखूंगी बस हम इसको अब मिक्स करेंगे चिकन और ये पोटैटो बल्कि मैं डाल ही देती हूँ ना साथ आप भी रैपअप कर लें ये मजे मजे के आपने जो अंग्रेजी पकौड़े बनाए हमने बनाए हैं चिकन क्रोकेट्स अच्छा मैंने चिकन का आप लोगों को बताया था कि हमने थोड़ा सा प्याज ली थी एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने उसको दो टेबल स्पून मखन में जो उसको सौते किया था उसके बाद मैंने उसमें दो से तीन क्लोव गार्लिक के डाले थे चॉप करके उसको किया था एंड देन uh, उसके बाद हमने हरी मिर्च डाली थी उसके फ़ौर बाद हमने उसके अंदर थोड़ा सा uh, मैदा डाला था टू टेबल स्पून यखनी डाल के वाइट सॉस की तरह थोड़ा थिक किया फिर चिकन ऐड की और उसका चूल्हा बंद कर दिया दूसरे स्टेप में मैंने मैश पटेटोज़ लिए थे आलू थे तकरीबन दो से तीन मीडियम उसमें मैंने एक योग ऐड की थी अंडे की सर्दी थोड़ा सा मैंने एक टेबल स्पून हरा धनिया डाला था हरे धनिया के साथ फिर उसमें मैंने थोड़ा सा क्या किया था ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के उसको मिक्स किया थोड़ी चीज डाली उसको मिक्स किया फिर ये हमने सारा पोटैटो एंड आलू का पोटैटो एंड चिकन का मिक्सचर हमने मिक्स किया और ये हमारे पास आ गया मक्खन है इसमें तो देखें बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं अब चीज़ मैंने इसके अंदर भी डाला है लेकिन थोड़ा सा हम इसके सेंटर में भी इसको फिल करेंगे इस तरह और इसकी इस तरह बॉल्स बना लेंगे बॉल्स बनाने के बाद देखें बिल्कुल भी नहीं चपक रहा बिकॉज ऑफ बटर क्योंकि हमने इसमें बहुत बटर ऐड किया था अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह हम कॉर्नफ्लावर या मैदे में कोट करेंगे ठीक है और वो जो एग वाइट हमने बचाई थी ना अब हम यहाँ पे इस पर कोट करेंगे कोट करने के बाद फिर यहाँ हम क्रम्स में कोट करेंगे और क्रम्स में कोट करने के बाद इस पोजीशन पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं ये हो गया अब हम आ जाते हैं जल्दी से इसकी सॉस की तरफ़ रेस्टोरेंट में आप लोग फ्राइड चीज़ें बहुत इन्जॉय करते हैं उसके साथ एक बड़ी अच्छी सी सॉस होती है आज आपसे वो सॉस शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सॉस जो किसी भी फास्ट फूड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं उसमें मैंने लिया है वन आधा कप जो है हमारे पास म्योनीस है इसमें मैं टू टू थ्री थ्री टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कैच इसमें जा रहा है हमारे पास फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर ये मैं डाल रही हूँ वन टी ठीक है उसके साथ हमारे पास यहाँ मेरे पास ऑर्गेनिक पाउडर है आप जो है इसके साथ लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई लीव्स बस थोड़ा सा एक चुटकी के बराबर इसमें ब्लैक पेपर जा रहा है थोड़ा सा अच्छा और सॉस बन रही है जी बिल्कुल सॉस में बना लें सॉस बिल्कुल, बन बिल्कुल जी. टाइम हो गया मेरा ओके okay, जी और ये है हमारे, हमारे पास पेपरिका ठीक है जी पेपरिका हम क्यों एड करें इसका बड़ा स्वीट सा फ्लेवर होता है पेपरिका बेसिकली जो हमारी होती है ना शिमला मिर्च वो होती है रेड वाली उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं वो डालते हैं तो इसका बड़ा अच्छा सा स्वीट सा फ्लेवर आता है इसीलिए मैंने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं किया ये ऐड किया था और बाकी ये क्रोकेट्स की प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने है कि हमने किस तरह से की है मैंने कटर से जो है इसकी कटिंग कर ली थी ये है मेरे पास कटर मैंने गाजर काटी थी स्लाइसेस में उस पर रख के इसको कटिंग किया था कटिंग करके मैंने इसके इंसर्ट किया और यहाँ डाला और ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये हमने किए थे इससे कैचअप से ये आप इसके ऊपर कैचअ डाल दीजिए थोड़ा सा इससे थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन अच्छी से आ जाती है एक आपने थोड़ा सा इस पर कोई भी धनिया रखना चाहे पुदीना रखना चाहे कोई भी हर्ब है आपके पास वो रखें और ये डालें एंड देन वी आर डन थैंक यू सो मच थैंक यू